चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए और एक एक्साइटिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ। Vivo Y73 का डिटेल रिव्यू। इस फोन को मैं लगभग 10 दिन तक यूज कर रहा हूँ और इस 10 दिन में इस फोन के ऊपर जो जो अच्छाइयाँ है या जो जो कमियाँ है सब कुछ मुझे डिटेल में पता चल चुका है और सब कुछ क्लियरली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। हम लोग क्वालिटी वीडियो रखते हैं। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इस फोन का सबसे बड़ा जो हाइलाइटेड चीज है वो है इसका डिजाइन। बैक साइड की तरफ देखोगे ग्लॉसी लुक दिया गया है, एक डायमंड शेप डिजाइन दिया है और पर्सनली ये डिजाइन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यूनिक डिजाइन है, जबरदस्त डिजाइन है। एंटी फिंगरप्रिंट एच ग्लास दिया है जिसके वजह से दोस्तों क्रैचेस वगैरह तो नहीं आएगा लेकिन हाथों का निशान भी दोस्तों उतना ज्यादा नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ग्लास बैग है इसके वजह से क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएगा और डिजाइन भी जबरदस्त है और ये फोन ज्यादा बिकेगा इसके डिजाइन के लिए। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, 170 ग्राम है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, कंफर्टेबल देगा अगर आप यूज करोगे एक हाथों में। शुरू में ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस फोन का मैंने वाटर टेस्ट किया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छी तरीके से सर्वाइव किया है वाटर टेस्ट में। तो अगर आपके फोन पानी में गिर जाए या बारिश में भीग जाए तो फोन कुछ भी नहीं होगा, ठीक ठाक चल जाएगा। मैं वाटर टेस्ट करने के बाद ही बता रहा हूं। अगर आप लोग वाटर टेस्ट नहीं देखे तो ये वीडियो खत्म होने के बाद कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। डिस्प्ले के पास देखोगे 6.44 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। नीचे जो चेन है साइड में जो बेजल से वो दोस्तों मुझे ठीक ठाक लगा है लेकिन इस फोन में एक कमियां है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच दिया है। अगर यहाँ पे पंचोल देता और भी बढ़िया होता, प्रीमियम जैसा लुक देता, मुझे दोस्तों उतना अच्छा नहीं लग रहा वाटर ड्रॉप नॉच, अभी वाटर ड्रॉप नॉच पुराना हो चुका है। खैर दोस्तों, वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले है इसके वजह से कलर वगैरह थोड़ा बूस्ट अप करके देता है, नेचुरल कलर दिखाई देता है या जो लाइट कंट्रोल वगैरह जो आउटपुट देता है डिस्प्ले में वो काफी अच्छा है। और ओवरऑल दोस्तों अगर मैं कहूं इसके डिस्प्ले वो काफी अच्छा है। यहाँ पे 540 निट्स ब्राइटनेस दिया है, अगर आप आउटडोर में यूज करोगे कोई भी तकलीफ नहीं होगा, काफी अच्छी तरीके से इसके डिस्प्ले आप देख पाओगे। लेकिन इसके डिस्प्ले में जो ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है वो उतना खास नहीं है, वहां पे क्रैचेस वगैरह आ जाएगा। हालांकि जब आप फोन खरीदते हो एक पेपर चिपका रहता है लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों ये हटाकर, बाजार में बहुत सारे टेम्पर ग्लास मिलता है वो खरीदकर यहाँ पे लगा लेना ताकि आपका जो डिस्प्ले है वो सही सलामत रहेगा, क्रैचेस वगैरह नहीं आएगा। और आउट ऑफ बॉक्स पेपर मिलता है वो उतना खास नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत क्रैचेस आ जाता है। 4000 mAh का काफी पावरफुल बैटरी मिलता है और इसके साथ 33 W का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। मैंने दोस्तों फुल चार्जिंग टेस्ट किया था, फुल चार्ज करने के लिए टाइम लग गया है 1 घंटा 10 मिनट, मैंने 0% से 100% तक चार्ज किया था। अगर आप लोग चार्जिंग टेस्ट वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो खत्म होने के बाद कार्ड में दोस्तों मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। इस फोन को मेरा टीम मेंबर कुछ दिनों से यूज कर रहा है दोस्तों, वो डे टू लाइफ यूज कर रहा था, उसको 2.5 दिन तक आराम से दे दिया था बैटरी लाइफ। तो यहां से दोस्तों मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, 2.5 दिन कम नहीं होता है। मतलब कुछ सोशल मीडिया ऐप वगैरह यूज कर लेना, कभी कभी यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख लेना, कुछ कॉल वगैरह कर लेना, तो ऐसे ही दोस्तों 2.5 दिन तक 100% से 0% दे दिया था। और मैंने कंटिन्यू पबजी भी खेला था दोस्तों इस फोन में, तो कंटिन्यू पबजी खेलने के बाद मुझे बैटरी लाइफ दिया था 0% से 100% होने में 7 घंटा लग गया था। तो इसका जो बैटरी लाइफ है वो मैं कहूंगा ठीक ठाक है, डे टू लाइफ के लिए ठीक ठाक है। अगर आप कंटिन्यू हर टाइम लगे रहते हो तो फुल चार्ज करने के बाद 0% आने में टाइम लग जाएगा 7 घंटे के आसपास। अगर आप ज्यादा कैमरा वगैरह यूज करोगे तो उस टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होगा क्योंकि कैमरा में जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होता है। अभी चलिए दोस्तों परफॉर्मेंस के पास। इस फोन में मीडियाटेक का हीलियो G95 चिपसेट मिलता है और इस फोन का सबसे बड़ा जो कमियां है इसका प्रोसेसर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोसेसर बेकार है, प्रोसेसर अच्छा है लेकिन जिस प्राइस में लॉन्च किया है मुझे नहीं लगता इस प्राइस में वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर माना जाएगा। खैर दोस्तों, मैंने गेम वगैरह खेला हूं, हमारे गेमिंग चैनल में डिटेल रिव्यू किया हूं, हीटिंग टेस्ट के साथ साथ गेमिंग रिव्यू। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट हो इसका पबजी डिटेल गेमिंग रिव्यू देखने के लिए तो हमारे गेमिंग चैनल में जा सकते हो, वहां पे क्लियरली बताया हूं। और वहां पे मैं नॉर्मल नहीं खेला हूं, GFX टूल यूज करने के बाद ही खेला हूं।
तो हमारे गेमिंग चैनल में जा सकते हो, डिटेल पबजी गेमिंग रिव्यू है। परफॉर्मेंस दोस्तों मैं कहूंगा ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस बेकार है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए था प्रोसेसर के पास देखते हुए। हमारे पास है 8GB 128GB वेरिएंट, इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो भी बढ़िया है, ऑब्वियसली 8GB का रैम है तो इसीलिए रैम मैनेजमेंट में भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, काफी अच्छा रैम मैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 8GB का रैम तो दिया है लेकिन आप 3GB एक्सटेंड भी कर पाओगे। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसके रैम को एक्सटेंड करना चाहिए, खैर जिन लोगों को जरूरत होगा वो लोग करेगा, मुझे नहीं लगता करना चाहिए, 8GB का रैम इनाफ होता है। चलिए दोस्तों कैमरा के ओर, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64:2:2 और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। Vivo जाना जाता है तो उसके कैमरा के लिए, तो इस फोन का कैमरा भी दोस्तों बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो कलर कंट्रास्ट वगैरह, जो सैचुरेशन वगैरह, डायनामिक रेंज वगैरह काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है और एक अच्छा आउटपुट निकाल कर दोस्तों हम लोगों को प्रोवाइड करता है। इसके कैमरा में दोस्तों मैं कोई भी शिकायत नहीं करूंगा, जबरदस्त कैमरा क्वालिटी है, डिटेलिंग भी बढ़िया है, कोई भी शिकायत नहीं है। और जो नेचुरल कलर है ना दोस्तों वो यहाँ पे दिखाता है। मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इसके माइक्रो कैमरा सैंपल से, सच में दोस्तों बहुत बढ़िया है इसका माइक्रो कैमरा सैंपल। यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रा स्टेबिलाईजेशन भी दिया है, अगर आप ब्लॉगिंग के लिए एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो इसके पास देख सकते हो, अगर आप ज्यादा वीडियो वगैरह करते हो तो इसके पास देख सकते हो, जबरदस्त फोन है 21,000 में। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी बढ़िया है, कोई भी तकलीफ नहीं देता है और फेस अनलॉक बढ़िया है ही। चलिए दोस्तों साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा है इसका साउंड क्वालिटी। ऐसे भी मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ, फिर भी दोस्तों आप लोगों के सामने ही सुना देता हूँ। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी बढ़िया है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो जबरदस्त लगा। बहुत सारे भाई लोग पूछ रहा था कि यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिंगल स्पीकर दिया गया है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ ये फोन आप लोगों को बाय करना चाहिए कि नहीं। इस फोन का जो प्राइस है 8GB 128GB 21,000 रुपीज में मिलता है और मुझे नहीं लगता दोस्तों 21,000 रुपीज देकर इस फोन को बाय करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे 5G नहीं है, सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, क्योंकि अभी 5G फोन आ रहा है और आप एक फोन तो नहीं लोगे ना कि 6-7 महीने यूज करने के लिए, 2-3 साल यूज करने के लिए लोगे और 5G 1 साल के अंदर आ जाएगा तो आप 5G अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों ये फोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। और ऐसे भी बहुत ज्यादा प्राइस है, ओवर प्राइस है, अगर इसका प्राइस 17, 16 या 15 के आसपास होता तो मैं कहता दोस्तों वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, लेकिन 21,000 में वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं है, मैं साफ साफ मना कर दूंगा, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। विवो से मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बहुत सारे भाई लोग कहेगा कि मैं विवो का फोन रिक्वायरमेंट क्यों नहीं करता हूं, इसीलिए नहीं करता हूं कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है। हाँ, जो सारे लोग विवो के फैन होगा वो सारे लोग ये फोन खरीदेगा, मुझे पता है, डिजाइन के लिए, कैमरा के लिए बहुत बिकेगा, लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल पैकेज के पास देखोगे तो मैं मना कर दूंगा। इसके जगह में आप iQOO G3 5G को ले सकते हो, वही विवो का ही साफ ब्रांड है और बहुत बढ़िया फोन है दोस्तों, मैं यूज कर चुका हूँ, मेरे पास पड़ा है। ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।